So far, we have studied natural, damped, and forced vibrations. Next, we are going to study the very important topic. Every year, one question is sure to come from this topic, resonance. Now, resonance is a special case of forced vibrations, bachche. I have discussed two cases in forced vibration. Do you remember that one was when the frequency of the external applied periodic force matches with the natural frequency of the body, and one was when the frequency of the external applied periodic force does not matches with the natural frequency of the body. Now, resonance is that case when it matches. That is, when the frequency of externally applied periodic force on the body is equal to its natural frequency. उस बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल है तो हमें पता है कि बॉडी क्या करती है, इट बिगिंस टू वाइब्रेट विद लार्जर एम्पलीट्यूड, और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं. नाउ देयर आर कंडीशन फॉर रेजोनेंस. कंडीशन क्या है, सबसे पहला कि एक जो आप फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सप्लाइड फोर्स, जो आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो पीरियोडिक फोर्स, उसकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करती होनी चाहिए, मैच करती होनी चाहिए. Is it clear? और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एंड द अप्लाइड फोर्स, जो आप फोर्स लगा रहे हो उसकी वजह से उस बॉडी के अंदर कौन सी वाइब्रेशन आनी चाहिए, फोर्स्ड वाइब्रेशन आनी चाहिए. इज इट क्लियर टू एवरी वन आर नॉट, दीज आर योर टू कंडीशन फॉर रेजोनेंस. नेक्स्ट इज योर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रेजोनेंस. सबसे फर्स्ट क्या है बच्चे, रेजोनेंस विद ट्यूनिंग फॉक्स. बहुत ही ईजी है. एक्चुअली मैंने डायग्राम भी ड्रॉ किया तो यहाँ से हम देख लेते हैं डायग्राम. बच्चे हमने क्या लेना है, टू ट्यूनिंग फॉक्स लेने हैं, ठीक है. और ये आपके पास क्या है, साउंड बॉक्स है, टू साउंड बॉक्स हैं, और दोनों साउंड बॉक्स एक दूसरे की तरफ फेस करते होने चाहिए. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम लोग क्या करेंगे, इस ट्यूनिंग फॉक्स के जो प्रोंग्स हैं ना, इसको रबर पैड के साथ स्ट्राइक करेंगे तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे. जैसे ये वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, हम क्या करेंगे, इस ट्यूनिंग फॉक ए को इस साउंड बॉक्स के ऊपर माउंट कर देंगे. लगा दिया बच्चे. अब क्या होगा राजे, कि अब हमें पता है कि ये जो इसकी एयर है, इसके अंदर इसकी वजह से क्या, कौन सी वाइब्रेशंस आ जाएंगी, फोर्स्ड वाइब्रेशंस आ जाएंगी. कौन सी आ जाएंगी, फोर्स्ड वाइब्रेशंस आ जाएंगी इस एयर के अंदर इस ट्यूनिंग फॉक की वजह से, ठीक है. अब क्योंकि साउंड बॉक्स का सरफेस एरिया ज्यादा है तो ये ज्यादा एनर्जी रिलीज प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, लार्जर होगा, ज्यादा होगा. अब यही वाइब्रेशंस जो हैं ये कम्युनिकेट हो जाएंगी इस साउंड बॉक्स के पास, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, ठीक है. अब क्या होगा बच्चे, ये जो इसका एयर कॉलम है ये भी क्या करने लग जाएगा, वाइब्रेट करने लग जाएगा. और हमें पता था कि हमने जो ट्यूनिंग फॉक ए और बी लिए थे वो आइडेंटिकल लिए थे, सेम लिए थे, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये. और ये जो इसकी अब जो इसकी जो वाइब्रेशंस हैं एयर की, वो हमारी क्या, वो क्या करेंगी बच्चे, इसकी ट्यूनिंग फॉक की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ क्या कर जाएंगी, अब मैच कर जाएंगी. जैसे वो इस, मतलब जो वाइब्रेशंस एयर की यहां पहुंची हैं, वो पीरियोडिक वाइब्रेशन, जो एक्सटर्नल फोर्स है उसकी वाइब्रेशंस, जैसे ही बी की वाइब्रेशंस के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ क्या कर जाएंगी, मैच कर जाएंगी, तो बी किस में आ जाएगा, रेजोनेंस में आ जाएगा. बी विल कम इन रेजोनेंस, और ये भी क्या करने शुरू हो जाएगा, वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा. इज दिस एक्सपेरिमेंट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, आई विल रीड वंस. द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक ए प्रोड्यूसेस द फोर्स्ड वाइब्रेशंस इन द एयर कॉलम ऑफ इट साउंड बॉक्स. दीज वाइब्रेशंस आर ऑफ लार्जर एम्पलीट्यूड बिकॉज ऑफ लार्ज सर्फेस एरिया ऑफ एयर इन द साउंड बॉक्स. और ये ही दे आर कम्युनिकेटेड टू द साउंड बॉक्स ऑफ अदर ट्यूनिंग फॉक बी. यहां से दे विल बी कम्युनिकेटेड टू द साउंड बॉक्स ऑफ बी. Now the air column of other sound box, that is B का sound box भी क्या करने लग जाएगा, vibrate करने लग जाएगा with the frequency of the first tuning fork A. Now since the frequency of the vibrations is same as the natural frequency of the fork B, the tuning fork B picks up those vibrations and starts vibrating under resonance. Resonance word is very important, it should come in your answer. Next experiment is in the of a simple pendulums. वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर नहीं आया, उससे लास्ट ईयर आया था तो इस साल भी आने के चांसेस हैं 2021 में. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, वी विल टेक फोर पेंडुलम्स ए बी सी डी. बी पेंडुलम का साइज विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ ए, सी का साइज विल बी लेस देन ए, एंड डी का साइज विल बी मोर देन दैट ऑफ ए. इज दिस क्लियर?
नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, अभी पता है कि जिनका साइज सेम है तो उनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, सेम. दैट इज सिंस ए एंड बी आर द पेंडुलम्स ऑफ सेम लेंथ, सो देयर नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज सेम. डी इज लॉन्गर, तो व्हाट विल हैपन, ठीक है, डी इज लॉन्गर देन ए और बी, बी से भी या ए से बड़ा है, तो इसका मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज लोअर देन ए और बी. हमें पता है बच्चे फ्रीक्वेंसी और लेंथ क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है. तो रिमेंबर डी की आपकी लेंथ ज्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लेस होगी. और जो पेंडुलम सी है वो शॉर्टर है तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो ए और बी से क्या होगी, ज्यादा होगी. रिमेंबर दिस थिंग, आई रिपीट, बी की लेंथ ए से सिमिलर है तो इनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम है. डी की लेंथ ए से ज्यादा है तो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कम है ए से. सी की लेंथ ए से कम है तो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ए से ज्यादा है. Now what you are going to do is the pendulum A is set into vibration. अब आपने pendulum A को ना इस तरह से vibration में लगा देना है, ठीक है, खुद. तो बच्चे एक चीज फिर वो question पूछते हैं आपसे कि अब A किस vibration में आ गया. तो कई बच्चे सोचते हैं कि इसको खुद हमने vibration में set किया है तो ये forced vibration है. No, this is बच्चे ये उसके बाद किस में आ जाता है, ये natural vibration में आएगा या free vibration में आएगा. Remember this thing, ये पूछा जाता है, ठीक है. A किस में आएगा, natural vibration में या free vibration में. हमने उसमें एग्जांपल्स में भी करा था जब हमने नेचुरल और फ्री के करे थे. नाउ द ऑब्जर्वेशन, बच्चे व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज द पेंडुलम बी आल्सो स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग इनिशियली विद द स्मॉल एम्पलीट्यूड. कि अब क्या करेगा, आपका जो पेंडुलम बी है ना वो भी शुरू में वाइब्रेट होना, पहले हमने ए को कर रहा सिर्फ, लेकिन जो बी है ना वो भी वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा, लेकिन शुरू में सिर्फ स्मॉल एम्पलीट्यूड, धीरे धीरे. और अल्टीमेटली इसके पास पूरा सेम एम्पलीट्यूड आ जाएगा जो ए का शुरू में था. मतलब पहले ये धीरे धीरे एम्पलीट्यूड वाइब्रेट कर रहा है, धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड इतना बढ़ जाएगा जितना ए का स्टार्टिंग में था. लेकिन बच्चे जब इसका बी का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया ना, तब ए का एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाएगा. बच्चे ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ एनर्जी शेयरिंग. क्योंकि ये एनर्जी आपस में क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं. फिर जैसे ही बी का मान लो सबसे मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, ए का मिनिमम हो गया, अब ए का फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा, बी का कम होना शुरू हो जाएगा. जब ए का मैक्सिमम हो जाएगा, बी का मिनिमम हो जाएगा. इज इट क्लियर बच्चे टू एवरीवन? Then what is the vibrations of pendulum B? अब vibrations of pendulum B क्या है, face में है in with those of A. लेकिन जो pendulum C और D है वो भी vibrate करेंगे, but they vibrate with smaller amplitude. वो थोड़े amplitude से ही vibrate करते रहेंगे. Now explanation reason should be there. क्यों बच्चे C and D आते हैं सिर्फ forced vibration में. ये आता है forced vibration का second case, जब इनकी frequency इसके साथ match नहीं करती. तब हमें पता है वो vibrate तो करते हैं लेकिन smaller amplitude के साथ, और वो जल्दी क्या कर जाते हैं, die out कर जाते हैं. लेकिन B की frequency ये के साथ match कर रही है तो B किस में आएगा, resonance में आएगा. इज इट क्लियर बच्चे? पेपर में क्वेश्चन आपको पहले अंडरस्टैंड करना है. अगर आपसे पूछा गया व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आपने ऑब्जर्वेशन मेंशन करनी है. अगर पूछा गया गिव रीजन, तो आपने ये रीजन मेंशन करनी है कि क्यों. और फिर आप ये भी बता सकते हो कि क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती, ठीक है. उसके अलावा अगर आपसे पूछा गया कि बी और बी किस स्टेट में है, तो बी इज इन द स्टेट ऑफ रेजोनेंस. सी और डी किस स्टेट में है, सी एंड डी आर इन द केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशंस. ए में कौन सी है, नेचुरल और फ्री वाइब्रेशंस. आई गेस एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है. और इसका रीजन आपको फिर से बताया हुआ, बिकॉज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम बी इज इक्वल टू दैट ऑफ ए, क्योंकि दोनों किसके थे, सेम लेंथ के थे, एंड सो द रेजोनेंस टेक्स प्लेस. लेकिन बी और डी में लेंथ डिफरेंट है तो फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट है, तो उन केसेस में रेजोनेंस नहीं होती. इज इट क्लियर टू एवरीवन?